हेलो दोस्तों, और एक बात कहें, अगर आपके घर की बेटी अगर कोई गलती करती है या बेटे गलती करते हैं ना, तो उसकी गलतियों को हम छिपा लेते हैं, उसे किसी को पता लगने नहीं देते हैं। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी बातें करेंगे, और यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे कि आजकल का जो समाज है, या पहले का जो भी कह सकते हो, उसमें क्या होता है कि पहले की बेटे या बेटियां अगर गलती करते हैं या अनजाने में गलती हो भी जाती है ना, तो उस घर के जो लोग बड़े लोग होते हैं तो उनकी गलतियों को छिपा देते हैं, बिल्कुल भी किसी को पता नहीं लगने देते हैं। और यही गलतियां अगर नई बहू आई हो और उससे अगर बाई चांस गलती हो जाए, या किसी काम में उसे त्रुटि रह जाए, या कुछ भी किसी को मतलब मजाक में या हंसी में, क्योंकि जो नई आई हुई बहू होती है उसे इतना पता होता नहीं है कि क्या बोलना है नहीं बोलना, क्योंकि जिस माहौल से वो आती है उसे तो खुलकर बोलने की आज़ादी दी जाती है। पर ससुराल में, बहुत ऐसे ससुराल में होती है जो कि पाबंदी लगा दी जाती है कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे हंसना नहीं, ये नहीं बोलना। और उसी में अगर कोई गलती हो जाए या किसी सामने वाले को कुछ भी बोल देना, तो इतनी उसकी लोग बुराइयां करते हैं, टांग खींचते हैं, उसके घर वालों को लोग बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे कि भाई तूने कैसी बहू लाई जो कि अपशब्द बोलती है, ये करती है, वो करती है। तो एक बात बताना, आपके जो अपने बच्चे हैं, बेटियां हैं, उसकी गलतियों को तो आप छिपा लेते हो, और बहू थोड़ी सी अगर अनजान में ही अगर गलती करती है तो आप पूरे जग जाहिर कर देते हो, और फिर कहते हो कि बहू इधर की उधर करती है। बहू नहीं करती है, ये जो घर के कुछ लोग होते हैं ना, जब आप लोग बोलोगे, जब तक कोई बात आपके घर से नहीं निकलेगी ना, तब तक कहीं नहीं जाती। इसीलिए बोलने वाले ना घर के खुद स्वयं खुद वो लोग होते हैं। तो इसलिए अगर बहू से ना अगर कोई गलती होती है या अनजान में ही या कुछ भी, तो घर के जो लोग हो ना उनको बल्कि बैठकर उसको समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए, और उसको आप इतनी फ्रीडम जरूर दो कि अगर वो गलती अनजान में हो या कुछ भी हो तो वो आकर आपको बोल पाए कि हाँ हमसे ऐसी गलती हो। आप इतना उस पर प्रेशर डालोगे, दबाव डालोगे, तो वो अपने मन की कोई बात नहीं कहेगी। कहाँ कहेगी अपने मन की बात? अपने मायके। क्यों कहेगी? क्योंकि उसको पता है वो हमारा अपना है और ये लोग हमारे अपने नहीं हैं। तो अपना होना में और अपने मानने में ना बहुत फर्क होता है। तभी तो लोग कहते हैं कि सास सास होती है, माँ नहीं होते हैं, ससुर ससुर होते हैं, पिता नहीं होते। वो यही कारण है। जिस दिन जिस घर में भी ना बहू और बेटियों में फर्क नहीं करेंगे ना, वो घर ना बिल्कुल खुशहाल होगा, सुखी परिवार होगा और बिल्कुल सुखी संपन्न होगा। पर लोग ऐसा नहीं करेंगे। लोगों की जो फितरत होती है ना, कहते हैं ना जब बहू आती है ना तो पता नहीं ऐसे मतलब लोग उस घर के लोगों में ना पता नहीं इतना उन लोगों में वो आ जाता है कि भाई मुझे तो दबा कर रखना है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, कोई भी हो, उस घर के जो भी सदस्य होंगे ना, उस जो नई आई बहू होगी, लड़की होगी, उसको पूरा दबा कर रखेंगे। और यदि नहीं दबेगी, नहीं सुनेगी, तो फिर लोग बोलेंगे ये तो बहुत बेकार है, ये अच्छी लड़की नहीं है, आपने बहुत गलत लड़की से शादी कर दिया, ये वो वगैरह वगैरह। तो यहाँ तक ये भी लोग कहते हैं। तो भाई गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आप अपनी बेटी को तो पूरा फ्रीडम दे देते हो कि भाई तुम ये करो वो करो, ऐसे नहीं करो, और यहाँ तक कि अगर बहू गलत कोई कपड़े पहने या कुछ भी कर ले तो उस पर भी आप 50 तरह की बातें करोगे, ये करोगे। आपकी बेटी नहीं पहनती, आपकी बेटी भी तो पहनती होगी, कहीं जाती होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, तो आप उन पर क्यों नहीं लागू करते कोई नियम? बहू पर ही क्यों? क्या वो इंसान नहीं है यार? वो भी तो इंसान है ना। तो इसलिए उसे भी खुले मन से पहनने का, अच्छे से रहने का, खाने का हक है। आप उसे अपनी बेटी की तरह हर चीज, हर तरह की आज़ादी देकर देखा करो। वो अपनी दायरा कभी नहीं लांघेगी, उसे पता है कि मेरी दायरा क्या है। तो जब जिस दिन घर के जो सास ससुर हैं या घर के जो बड़े लोग हैं ना बहू में फर्क करना छोड़ देंगे ना, तो बहू भी कुछ हद तक फर्क नहीं करेगी। वो भी जो सास ससुर, वो उनको अपना माँ बाप समझेगी और अपनी हर बात उसे शेयर करेगी। तो ऐसा जरूर किया करिएगा। आप जब ज्यादा दबाव डालोगे, प्रेशर डालोगे ना, तो फिर वो आपकी तो एक भी नहीं चलेगी, और घर में क्या होगी? लड़ाई झगड़े, मतलब बहुत कुछ, आपका घर बिल्कुल ही टेंशन से घिर जाएगा। बल्कि जब आपका बेटा आएगा या लड़का आएगा तो वो भी टेंशन में रहेगा, फिर
फिर वो सोचेगा यार हमने शादी करके बहुत गलती की, फिर वो ना अपनी पत्नी को समय दे पाएगा, ना पत्नी से खुश हो पाएगा, ना अपने माँ बाप से। तो इसलिए अगर परिवार में अच्छे से रहना चाहते हैं, मेल भाव से रहना चाहते हैं, तो आप लोग अगर ऐसा करोगे ना तो ही परिवार सही रहेगा। इसलिए जिस दिन से ये दोनों अंतर करना छोड़ देंगे ना सास ससुर, वो घर सुखी परिवार होगा। तो यही कहना था, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।